अमन, जब भी हम किसी भी शोरूम में कोई भी इंटरनल कम्बशन इंजन वाला स्कूटर या कोई भी व्हीकल लेने जाते हैं, तो हम उस स्कूटर को सेगमेंट में और जो कंपटीशन है उससे कंपेयर करते हैं, किसके ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं, किसका ज़्यादा बेटर प्राइस है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उन सब चीज़ों को हम आमने सामने रख के देखते हैं और कौन सा ज़्यादा प्रोडक्ट बेटर लग रहा है तो उस पर हम अपना फाइनल डिसीजन बना लेते हैं। एंड सेम कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ले रहे हैं तो बाकी सेगमेंट में ईवी से कंपेयर करेंगे, किसका ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं, किसका ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है और किसका कीमत कैसे है, तो उस हिसाब से फाइनल डिसीजन लेने पर बात आती है। लेकिन एथर का जो ये 450S है, एथर इसको कंपेयर कर रहा है TVS Ntorq या Honda Dio जैसे स्कूटर से। अब कुछ हद तक मैं कहूँ कि ये सही भी है, क्योंकि अभी ट्रस्ट और रिलायबिलिटी वाला फैक्टर इंटरनल कम्बशन इंजन वाले एरिया में ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन एथर का मानना है कि ये जो है 125cc वाले सेगमेंट में 450S थोड़ी सेंध लगा सकता है, क्योंकि इसमें वो बेटर परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हैं एंड ऑल्सो डिज़ाइन वगैरह जो है और फीचर्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड एथर कह रहा है कि हमने इस 450S में दिए हैं। तो क्या बदला है इस एथर की 450S में? हालांकि डिज़ाइन में आपको एकदम ये 450X की तरह ही लग रहा होगा, लेकिन कुछ मेजर बदलाव इस 450S में हुए हैं। क्या हुए हैं? फीचर्स को लेकर, पावर को लेकर, बैटरी पैक को लेकर, सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा हमेशा की तरह तीन धांसु और तीन नॉर्थ धांसु एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस एथर के नए 450S के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब डिज़ाइन को लेकर कोई बदलाव इस एथर के 450S में नहीं हुआ है, सेम वही डिज़ाइन है जो हमें 450X में देखने को मिलता है। चाहे फ्रंट की बात कर लें, LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, डिज़ाइन वगैरह, पैनल्स वगैरह, सब कुछ डिट्टो सेम है, कोई चेंज इस एरिया में नहीं हुआ है। एक चेंज जो थोड़ा सा हुआ है, अगर आप पास में जाएंगे या स्पेक शीट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा, जैसे कि हमने पढ़ी है, टायर्स का साइज़ है इसमें जो है 12 इंच 90 सेक्शन के टायर आगे पीछे दोनों जगह दिए गए हैं, जबकि जो 450X है वहाँ पे रियर में जो है 12 इंच 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। तो ये एक चेंज इन टर्म्स ऑफ टायर साइज़ इस एथर की 50S में देखने को मिलता है, थोड़ा सा छोटा साइज़ इसके रियर टायर का रखा गया है। इसके अलावा ब्रेक्स वगैरह, कॉम्बिकिंग सिस्टम, ड्यूल डिस्क ब्रेक, सब कुछ वही है, कोई बदलाव वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलता है। और जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी सेम है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब चेंजेस जो मेजर हुए हैं, सबसे पहला हुआ है इसकी स्क्रीन को लेकर। अब 450X में जो है स्क्रीन जो है टच स्क्रीन आती है, 7 इंच का कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है टच स्क्रीन नहीं दी गई है, डिस्प्ले का पूरा फील अलग है, जिसको एथर कह रहा है कि ये डीप व्यू डिस्प्ले है एंड ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी काफ़ी डिफरेंट ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड ये जब टर्न ऑफ होता है तो ये पूरा ब्लैक यहाँ पर पैनल बन जाता है, बट ओवरऑल यहाँ पर मामला ये है। फीचर्स इसमें क्या क्या दिए गए हैं, कुछ चीज़ें जो है नई एडिशन इसमें हुए हैं। अब इस स्क्रीन के साथ साथ ये जो साइड में आप बटन्स देख रहे हैं, ये जॉयस्टिक देख रहे हैं, ये भी नया एडिशन हुआ है। पूरा स्विच गियर जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी जो है ये पूरा नया डिज़ाइन करा गया है एंड एडिशन्स यहाँ पे भी हुए हैं। एंड इस स्क्रीन को जो है इस जॉयस्टिक से इधर से कंट्रोल करा जा सकता है। फीचर्स क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे टाइम है, हाई बीम लो बीम है, स्पीडोमीटर है, रेंज कितनी है वो यहाँ देख सकते हैं आप, एंड ट्रिप मीटर का इन्फॉर्मेशन है एंड ट्रिप प्लानर का भी एक एडिशन इसमें करा गया है। एंड ये जो साइड में नीचे आप देख रहे हैं, इसको जॉयस्टिक से मैं कंट्रोल करता हूँ तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनमें ट्रिप मीटर में ऑप्शन है, जैसे कि क्यूरेट राइड का ऑप्शन दिया गया है तो ये ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है, ऑडोमीटर है तो ये कुछ ऑप्शन इसके ऊपर होम वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। ऊपर जाएंगे तो ब्लूटूथ वाला सेक्शन है, देन वहाँ पर आप जाके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह ये सब चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। नीचे आएंगे सेटिंग्स में जाने के बाद ये आपको फॉल्ट डिटेक्शन वाला ये दिख रहा होगा आइकन, इसमें जो है एक फीचर नया जो ऐड हुआ है वो ये हुआ है फॉल्ट सेफ, जिसे एथर कह रही है कि स्कूटर जो है अगर जैसे ही गिरता है उस कंडीशन में, कभी होता है कि कोई स्कूटर उठाने लगता है और गलती से एक्सलरेशन पे हाथ चला गया और स्कूटर उठाते वक्त आगे की तरफ भाग गया, तो उस चीज़ को कट ऑफ करने के लिए एथर ने क्या किया है, स्कूटर गिरते ही इसका जो मोटर है वो
बंद हो जाएगा। तो आपको स्कूटर उठाते वक्त वहाँ पर एक्सीलरेशन या इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या अनकॉन्शियसली भी अगर वो आप कर देते हैं तो वहाँ पर मोटर उसकी टर्न ऑफ होगी, तो स्कूटर कहीं आगे भागेगा नहीं। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ कुछ एडिशन आने वाले समय में ये सर इसमें करेगा, जैसे कि स्कूटर गिरता है तो आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। ये फीचर, हालांकि कुछ फीचर जो है अभी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये फीचर यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा फॉल डिटेक्शन के अलावा जो यहाँ पे फीचर हैं, ऑटो इंडिकेटर यानी कि सेल्फ कैंसलिंग वाला इंडिकेटर यहाँ पे इसमें दिया गया है, एंड गाइड मी होम वाला फीचर है, इनकॉग्निटो मोड है, इसको आप टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं, एंड शट डाउन होल्ड, कुछ ये फीचर्स यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें जो है एक मोड मिसिंग है, जो कि है वॉप मोड, जो 50X में देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जो मोड दिए गए हैं, तीन मोड हैं, इको, राइड और स्पोर्ट। तो तीन मोड का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है, तीनों मोड में जो रेंज है वो डिफर करेगी। अभी फिलहाल स्पोर्ट में आप देख सकते हैं, एंड राइड में जाऊँगा 41, इको में जाऊँगा 45, यहाँ पे रेंज इसकी हो जाएगी। तो ये मामला कुछ यहाँ पे है। एंड ऑल्सो ये टच स्क्रीन नहीं है जैसा कि एथर की 50X में है, प्रॉपर गूगल नेविगेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन ही दिया गया है, यानी कि आप फोन से कनेक्ट करेंगे, उसमें लोकेशन डालेंगे, देन यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन के थ्रू आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर वो मैप वाला फील इस 450S में देखने को नहीं मिलता है, वो मामला कुछ ये है। इसके अलावा राइट साइड में आए तो यहाँ पे अब सिंगल स्विच दिया गया है फॉर रिवर्स ऑल्सो। स्कूटर को मैं टर्न ऑन करूँगा, देन अगेन प्रेस ब्रेक एंड प्रेस पार्क असिस्ट स्विच, देन उसको मैं कुछ इस तरह से अब यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी यहाँ पे रिवर्स को लेके ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, सिंगल स्विच वाला, इसको आप टर्न ऑन टर्न ऑफ उसी स्विच से कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर इसके हैंडल बार वाले एरिया में यहाँ स्क्रीन को लेकर या स्विच गियर्स को लेकर यहाँ पे बदली हुई देखने को मिलती हैं। थोड़ा बहुत क्वालिटी में भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करा गया है। आगे बढ़े, जो चेंज अगला हुआ है वो हुआ है इसके बैटरी पैक को लेकर। 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें दिया गया है, जबकि 50X में जो है 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। एंड इस बैटरी पैक के साथ साथ 450X में भी एक वर्जन एथर लेके आ रहा है, जो कि 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ होने वाला है। एंड इसके साथ साथ जो एक और चेंज यहाँ पे हुआ है इसके प्रोसेसर में हुआ है, वो है इसमें जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है, 212 क्वाड कोर 800 MHz वाला, जबकि जो 450X में 1.3 GHz वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस वाले वर्जन में जो है वो रैम में भी कटौती करी गई है, यानी कि इसमें रैम जो है 1 GB का है, जबकि 450X में 2 GB का है, और जो स्टोरेज है इसमें 8 GB का है, जबकि जो 450X है उसमें 16 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करूं ओवरऑल जो वेट है वहाँ पर भी चेंज हुआ है, तकरीबन 2.5 किलो कम अब इस 450X या फिर 450X के जो 2.9 किलोवाट आवर के बैटरी पैक का वर्जन होने वाला है, इनका वेट दोनों का जो है तकरीबन 2.5 kg 450X के 3.7 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक वाले वर्जन से कम देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो बूट जो है इसमें 22 लीटर का ही दिया गया है। एंड इसके साथ साथ जो कलर ऑप्शंस हैं वो भी इसमें दो कम देखने को मिलते हैं, जो 50S है इसमें सिर्फ 4 कलर का ऑप्शन रहने वाला है, जबकि जो 450X है उसमें 6 कलर का ऑप्शन रहने वाला है। और जो नया 50X का 2.9 वाला भी वर्जन होने वाला है उसमें भी 6 ऑप्शन होंगे, लेकिन सिर्फ 450S में 4 कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो कलर इसमें कट करे गए हैं वो हैं ट्रू रेड और लूनर ग्रे, यानी कि वो दो कलर इस 450S वाले वर्जन में देखने को नहीं मिलते हैं। तकरीबन 5.4 किलोवाट का पीक पावर ये स्कूटर जनरेट करता है, एंड अराउंड 22 Nm का पीक टॉर्क इसमें देखने को मिलता है। देन एक फीचर जो और ऐड हुआ है इस एथर 50S में वो है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, यानी कि ESS वाला, जो हमें कई गाड़ियों में देखने को मिलता है। यानी कि होता क्या है उस फीचर के थ्रू, अचानक जैसे ही आप स्पीड में हैं और अचानक आपने ब्रेकिंग की, इसकी हार्ड ब्रेकिंग करी, तो वहाँ पर इसके चारों इंडिकेटर्स टर्न ऑन हो जाएंगे, यानी कि हैजर्ड लाइट्स अगर कहें कि कॉमन भाषा में, तो वो टर्न ऑन हो जाएंगे। जैसे कि गाड़ियों में होता है अचानक ब्रेक लगाते हैं तो हैजर्ड लाइट्स ऑन हो जाती हैं, कई गाड़ियों में ये फीचर आता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें इस एथर के नए 450S के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जो पोस्चरिंग है, जिस तरह का राइड क्वालिटी देखने को मिलता है, वो काफ़ी अच्छा भी स्कूटर में देखने को मिलता है, कोई
चेंज वहाँ पे नहीं हुआ है, तो वो मामला अभी इसमें सॉर्टेड फील हो रहा है। कोई दिक्कत मुझे वहाँ पर इस A350S में अभी देखने को नहीं मिली है। पावर जो हालांकि इससे कम हुआ है, तो मैं उसको ले कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप फन वाला एलिमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अमूमन हम एथर के स्कूटर से करते हैं जब से एथर के स्कूटर्स आए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा फन वाला एलिमेंट इसमें मिसिंग है। स्पेशली जो वॉप मोड जो है एथर की 450X में आता है, इसमें नहीं दिया गया है, तो उसकी वजह से भी वो फन वाला एलिमेंट यहाँ पर इस 450S में थोड़ा मिसिंग लगता है। बट अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर उस हिसाब से इसका डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये पकड़ता है, एंड जो 0 to 40 का आंकड़ा है ये टच करता है 3.9 सेकेंड्स में, जबकि 450X जो है 3.3 सेकेंड में टच करता है। तो तीनों ही जो मोड दिए गए हैं, इको, राइड और स्पोर्ट, तीनों मोड में अलग तरह का एक्सप्लोरेशन इनिशियल देखने को मिलता है, एंड वो थोड़ा बहुत फन वाला एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ इसके स्पोर्ट मोड मिलेगा, बट वहाँ पे रेंज का मामला काफ़ी चला जाएगा। एंड जो रेंज की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो रेंज जो एथर क्लेम इसकी कर रहा है वो है 115 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज एथर जो क्लेम कर रहा है। एंड ट्रू रेंज आप लगा लें, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं 80 किलोमीटर के आसपास का रन है आपका डेली का, या 2-3 दिन में आप 80 किलोमीटर के आसपास स्कूटर चलाते हैं, तो मुझे लगता है उसी के आसपास ये रेंज देने वाला है। 115 हालांकि सर्टिफाइड रेंज है, बट 80 से 90 के बीच में इसकी रेंज रहने वाली है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस एथर की 50S के बारे में। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें से पहला नॉट्स धांसू एलिमेंट मुझे लगता है वो है इसके ओवरऑल फन वाले फैक्टर को लेकर। हालांकि एथर ने कहा है कि इस स्कूटर में वो फन वाला फैक्टर 50X वाला आपको नहीं मिलेगा, और जिस पर्पज से लोग एथर लेते हैं वो फैक्टर है परफॉर्मेंस वाला, एंड मुझे लगता है वो थोड़ा इसमें मिसिंग है। तो अगर आप उस पर्पज से स्कूटर को ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये स्कूटर आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट नॉट्स धांसू एलिमेंट अबाउट दिस एथर 450S। देन दूसरा नॉट्स धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके स्विच गियर में जो बटन्स दिए गए। हालांकि एथर कह रहा है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करी गई है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ फील बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा प्लास्टिक या चीप फील अभी भी फिलहाल वहाँ पे देखने को मिलता है। देन तीसरा और फाइनल नॉट्स धांसू एलिमेंट है वो इसकी स्क्रीन को लेकर है। इसकी जो स्क्रीन है वो सिर्फ एक ही मोड में, यानी कहें कि उसको आप सिर्फ ब्लैक मोड में, डार्क मोड में रख सकते हैं, और उसको आप लाइट मोड में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो उस डार्क मोड की वजह से काफ़ी शेडो बनता है, एंड स्पेशली दिन के टाइम में काफ़ी शेडो बनता है, वो जो डिजिट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माहौल उस डार्क मोड में बन जाता है। सो वो ऑप्शन जो डार्क मोड वाला है उसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी विजिबिलिटी पर फर्क पड़ने वाला है इसकी स्क्रीन में जो है। अब प्राइस की बात करूँ इस एथर की 50S का, जो प्राइस रखा गया है 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, दो वेरिएंट का ऑप्शन है इसमें, कोर और प्रो। जो कोर वेरिएंट है उसका प्राइस है 1,30,000 एक शोरूम प्राइस का रखा गया है, जो इंक्लूडिंग फेम 2 और चार्जर के साथ प्राइस ये एथर ने बताया है। एंड इसका जो प्रो वेरिएंट है इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, यानी कि 5 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, 5 ईयर तो स्टैंडर्ड है ही, लेकिन 5 साल एक्स्ट्रा और उसमें प्रो पैक में देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ साथ एथर ग्रिड कनेक्टिविटी 3 साल का ऑप्शन वो भी देखने को मिलेगा, एंड कुछ और चीज़ें उस प्रो पैक के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन 13,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि 1,43,000 आपको एथर के 450S का। अब 450X का भी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, जो कि 2.9 किलोवाट आवर बैटरी वाला है, अब चेंजेस जो है, हालांकि स्विच गियर वाले चेंज जो आप देख रहे हैं, ये जो 3.7 किलोवाट आवर वाला 450X है ये नया स्विच गियर उसमें भी देखने को मिलने वाला है, एंड ये जो है एडिशन उसमें भी करे जाएंगे, लेकिन उसका प्राइस अभी अनाउंस नहीं करा गया है। अब डिलीवरी की बात करूँ तो डिलीवरी जो इसकी स्टार्ट होगी वो 25 अगस्त से इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है, और जो 450X 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वर्जन रहने वाला है उसकी डिलीवरी 11 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, और जो 3.7 किलोवाट आवर वाला 450X होने वाला है, जो कि इन नए चेंजेस के साथ, स्विच गियर वगैरह वाले चेंजेस के साथ देखने को मिलेगा, उसकी डिलीवरी जो है अक्टूबर में स्टार्ट एथर ने कहा है कि वो करने जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी जो एथर ने नए स्कूटर्स या नए ऑप्शंस के साथ जो स्कूटर्स आए हैं इनको लेके अनाउंस करा है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूँ इस एथर की 450S का, क्योंकि आज हमने S वर्जन ही चलाया, X जो है 2.9 वाला वो हमने नहीं चलाया, सिर्फ S की बात करें तो S जो वर्जन है मुझे लगता है अगर आपका ज़्यादा यूज़ सिटी के हिसाब से है और थोड़ा बहुत आप हाईवे पर रन करते हैं, कभी कभार आपको जाना पड़ता है, तो उस पर्पज़ के हिसाब से मुझे स्कूटर सॉर्टेड लग रहा है। लेकिन अगर आपका रन ज़्यादा हाईवे पर, आपको थोड़ी ज़्यादा रेंज चाहिए, वो फन वाला फैक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके इस एथर से, तो वहाँ पर वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन दिस 450S आई बिलीव इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव। अगर आप थोड़ा कम पैसा खर्च करना चाहते हैं,
थोड़ा परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स चाहते हैं कि आपको डिसेंट अपने स्कूटर में देखने को मिले, तो उन मामले में मुझे ये स्कूटर काफ़ी सॉलिड फील हो रहा है। ऑल्सो अर्गोनॉमिक्स सेम है तो वहाँ पर भी मामला इस एथर की 450S में काफ़ी सॉलिड देखने को मिलता है। तो ये मेरा मानना है। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स में जो मैंने सब चीज़ें बताई वो सब फिट बैठती हैं, आपके उस ब्रैकेट में ये सब चीज़ें फिट बैठती हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से एथर का 450S आपके लिए एक अच्छा पैकेज बन सकता है।